शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय गर्ल्स, सुन जीजू, ठीक कहा ना? नहीं, तुम जल्दी से तैयार हो गया ना? जैसे आपकी मर्जी। बाय भाभी। बाय। क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? और हम दोनों एक दूसरे से इसी तरह प्यार करते रहेंगे। हाँ, क्या बात है डार्लिंग, आज तुम्हारे प्यार करने का अंदाज ही नहीं रहा है। क्यों नहीं होगा डार्लिंग, तुम इतनी खूबसूरत जो हो। कम ऑन प्रीति। छोड़ो ना, प्लीज प्लीज। आई लव यू डार्लिंग। ये जमीन पे क्या कर रहे हैं? लगता है दिन में ख्वाब देख रहे हैं। राकेश, तुम ये जमीन पर क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ नहीं यार। चादर नीचे गिर गई थी। चादर नीचे गिर गई थी, लेकिन आप नीचे क्या कर रहे थे? अरे भाई, चादर के अंदर मैं भी था ना। छोड़ो ना राकेश, छोड़ो ना। तुम्हारी वजह से तो मैं नीचे गिरा था मेरी जान। और तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? छोड़ो भी ना राकेश। कम ऑन, शरारत छोड़ो ना। ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। मैं नाश्ता लगा दूँ, तुम जल्दी से तैयार हो गया ना। ये क्या राकेश, सुबह सुबह। छोड़ो अब। जल्दी से तैयार हो गया ना मेरे अच्छे पतिदेव। कितना अच्छा था ये ख्वाब, काश ये ख्वाब सच्चा होता। डार्लिंग, जल्दी से नाश्ता लगा दो। अच्छा, नेहा अभी तक नहीं आई? अभी तक तो नहीं, वैसे भी उसे आजकल हर बात 10 बार बोलनी पड़ती है, तभी जाके उसे सुनाई देती है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। वाह, क्या बात है भाभी, आज तो आपने मेरा फेवरेट नाश्ता बनाया। क्या बात है नेहा, आजकल मक्खन बहुत लगा रही हो। अच्छा यार, अब तुम दोनों नाश्ता करो, अब मैं चलता हूँ। ओके, बाय भैया। बाय। एक सेकेंड, मुझे भी ऑफिस छोड़ दो ना प्लीज, मुझे भी लेट हो रहा है। हाँ? ठीक है। अच्छा नहीं, हाँ मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ घर की सफाई बराबर करवाना, और हाँ कॉलेज जाते हुए दरवाजा बंद करना भूलना मत। ठीक है भाभी। बाय। बाय भाभी। चलो। बाय नेहा। बाय भाभी। बाय। रात को जल्दी ऑफिस से घर आ जाना। ठीक है, हम दोनों साथ में ही आ जाएंगे, वैसे भी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो ड्राइवर। मेरा काम खत्म हो गया बेबी जी। ठीक है, अब तुम जाओ,
मुझे भी कॉलेज के लिए तैयार होना है। बीबी जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके बाथरूम में नहा सकती हूँ? क्यों? क्योंकि हमारे बस्ती में पानी नहीं आया है ना। ठीक है, नहा लो, मगर जल्दी आना, मुझे कॉलेज जाना है। जी मैम साहब। कमला। हाँ बेबी जी। एक काम करती हूँ, मुझे भी नहाना है, क्यों ना मैं तेरे साथ ही नहा लूँ? ठीक है। चल फिर दोनों नहा लेते हैं। चलिए। चल कमला, नहाते हैं। ठीक है, चलो। आज राव सर का बोरिंग लेक्चर पीरियड अटेंड नहीं करना है क्या? नहीं। मगर क्यों? क्योंकि आज राव सर कॉलेज में नहीं आए हैं, इसीलिए उनका पीरियड ऑफ है। हाय हाय गर्ल्स। हाय हाय। क्या बात है, आज तो तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है, आज राव सर का बोरे लेक्चर नहीं सुनना पड़ा। और इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम घूमने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप दोनों भी हमारे साथ चले। अजय, कहाँ लेके जाओगे? तुम्हें जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं तो घर जा रही हूँ, मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगी। नेहा, जब तुम ही नहीं चलोगी तो हम अकेले जाके क्या करेंगे? चलो चलो, चलते हैं। चल, let's go। सॉरी गाइस, बाय। आज आप लोगों को अकेले ही जाना होगा, श्वेता भी नहीं जा रही है, सो एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय बाय। थैंक यू। ओके बाय नेहा। बाय बाय। भैया क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। अब कौन आया? पता नहीं कौन है, देखो। ओ कमला, दरवाजा बंद कर दो कमला। जी। कमला। जी बीबी जी। जरा 3 कप चाय तो लेकर आओ। जी अभी लाती हूँ। घर में भी सब अच्छे हैं। क्यों रवि जी, क्या बात है, आपका अचानक कैसे आना हुआ? क्या कर रहे? बस आपकी याद आई और खींचे चले आए हम। अच्छा, ये आप बातें बहुत अच्छी बनाते हैं। अजी आजमा लीजिए, आदमी भी बड़े काम का हूँ। क्यों जीजू, ठीक कहा ना? हाँ हाँ। हा।
लीजिए चाय। लीजिए सर भैया को। लीजिए बीबी जी। अच्छा जीजू चलता हूँ मैं, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। अच्छा जीजू बाय। बाय दीदी। भैया संभल के जाना। जी बाय नेहा। बाय। अंदर आ जाइए रवि बाबू, दरवाजा खुला है। रत्ना, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि दरवाजे पर मैं हूँ? आप भी कैसी बातें करते हैं रवि बाबू। हर महीने की 10 तारीख की रात रत्ना तुम्हारी बाहों में इसी बिस्तर पर गुजारती है। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो फिदा हूँ मैं मेरी जान। आ जाओ जल्दी से मेरे तन की आग बुझा दो। कम ऑन। गुड मॉर्निंग रवि बाबू। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। रत्ना मैं जरा कपड़े चेंज करके आता हूँ। ठीक है। एक बार और हो जाए। ओके रत्ना मैं चलता हूँ। फिर मिलूंगा अगले महीने की 10 तारीख को। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी रवि बाबू। ठीक है। ओके बाय जान। फिर कभी रात आएगी कमबख्त। कमला भैया भाभी आए, वो तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ भैया भाभी। भाभी नेहा कैसे हो भैया? नेहा मैं और तुम्हारी भाभी 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं किसी जरूरी काम से। तुम अपना और घर का अच्छी तरह ध्यान रखना। ठीक है। कमला जी मैम साहब एक काम करो यहाँ आओ। जी अभी आती हूँ मैम साहब। जब तक हम वापस ना आ जाए तब तक ये घर छोड़कर मत जाना और नेहा को भी मत छोड़ना अकेला। ओके ठीक है। अच्छा बेटा हम चले। नेहा बाय भाभी। नेहा तुम्हें कुछ कहना? भैया आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। भैया आप अपना और भाभी का ख्याल रखना। हाँ ओके अपना ध्यान रखना। ठीक है भैया। बाय भैया। बाय भाभी। अच्छी सी पिक्चर देखते हैं।
फिल्म दिखाती हूँ। ठीक है मैम सर, जैसे आपकी मर्जी। कोई आया है लगता, देखती हूँ। कमला तू किचन में पहुंच। अरे आप आइए ना। कैसी हो नेहा? अच्छी हूँ। बैठ। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। बैठिए ना नेहा। ये मेरा दोस्त नीलेश। नीलेश ये मेरे जीजा जी की बहन नेहा। हेलो। हाय। क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? मेरी इच्छा तो चाय पीने की है। कमला। जी मैम सर। पहले दो गिलास पानी लाओ जी, और फिर चाय बनाओ जी। अभी लाती हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मैं अभी आती हूँ। प्लीज जाइए जाइए, लेकिन थोड़ा जल्दी आइएगा। ठीक है, आई एम कमिंग। यार तेरी आइटम तो बहुत अच्छी है। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। हाँ यार, नौकरानी भी बहुत मस्त है। अब मेरी नौकरानी का तो छोड़ दे बच्चा। हाँ हाँ, एक मिनट देखता हूँ। अरे जिया जी, नमस्ते। जिया जी नमस्ते। अरे रवि, तुम कब आए? अभी दीदी, बस थोड़ी देर पहले ही। बैठिए। थैंक यू। अरे साले साहब। हाँ। ये कौन है? अरे जिया जी, मैं तो भूल गया इंट्रोडक्शन कराना। ये मेरे दोस्त नीलेश। नीलेश ये मेरे जीजा जी, ये मेरी दीदी। जीजा जी ये नौकरी की तलाश में आए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, नमस्ते दीदी। नमस्ते। अच्छा तुम साले और जीजा जी बात करो, मैं अभी आती हूँ। जी जी जी। और साले साहब, अच्छा एक बात बताइए, आप मुझसे मिलने आए थे या फिर अपनी बहन से? सच कहूँ जीजा जी, तो आज मैं आपसे मिलने भी नहीं आया था और नहीं दीदी से। मैं आज नेहा से मिलने आया था। अबे साले, तू कभी नहीं सुधरेगा। ठीक है जीजा जी, हम चलते हैं, हम इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अच्छा, इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलने आना। बिल्कुल जीजा जी, चलो। ओके चले। नमस्ते। चलो अपना ख्याल रखना है, अच्छी तरह से देना इंटरव्यू। नेहा। हाँ? मैं तुम्हारा मोहन गार्डन पे इंतजार करूंगा। ठीक है, बाय। यार तेरे जीजा जी का नेचर बहुत अच्छा है। बैठ। जीजा जी किसके हैं? चल यार बैक कर। चल बैक। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। पहले ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अपने दिल की बात तुमसे कहने के लिए। नेहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन रवि। लेकिन लेकिन कुछ नहीं नेहा, अगर तुम हाँ कह दो तो मैं जीजा जी से बात कर लूँगा। प्लीज ना मत कहना नेहा, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन रवि, तुम्हारा प्यार दो दिन का तो नहीं? यकीन करो नेहा, नेहा जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा नेहा। और अगर हमारे तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो हम लोग भाग जाएंगे नेहा। ये तुम क्या कह रहे हो रवि? अगर हमारे इस प्यार का पता भैया भाभी को चला तो वो क्या समझेंगे? पर सच तो ये है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता नेहा। I love you, Neha. I love you. सोच
सोच रही हो आखिर? सोच रही हूँ रवि, तुम्हारा ये प्यार स्वीकार करके मैंने कोई गलती तो नहीं की? हम इस प्यार में कहीं कोई नादानी ना कर बैठे? नहीं नहीं, तुम जिसे नादानी कह रही हो वो दो जिस्मों की जरूरत होती है। कुछ लोग इसे हवस कहते हैं और कुछ प्यार। नेहा वो मेरी वजह से हुआ ना। शांत हो जाओ नेहा, कुछ नहीं हुआ मुझे, चलो। संभाल के आओ, मैं करती हूँ। दो और कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम कितना गुस्सा करते हो रवि, ये सब मेरी वजह से हुआ ना रवि, मेरी वजह से चोट लगी ना तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिर अगर ऐसी बात की ना तुमने तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे तुम तो नाराज हो गई, मैं तो रवि, हाँ? ये हम क्या कर बैठे? यार नहीं तो कल होना ही था। मगर मगर रवि, ये सब शादी से पहले तो पाप होता है ना? ये पाप नहीं है नेहा, ये प्यार है, और अब हर मुलाकात में तुम्हें इसी तरह प्यार करता रहूंगा। कितना टाइम करती है लड़की, कभी टाइम पे नहीं आती। फोन लगाती हूँ। काट दिया। यार श्वेता, ये तेरी देर से आने की आदत कब जाएगी? हाँ कितनी बारिश हो रही है। यार नेहा, रास्ते में एक लड़का राजेश मिल गया था, वो भी साथ आने की जिद कर रहा था। शायद तुम्हें अच्छा ना लगे इसलिए मैं उसे साथ नहीं लाई, ठीक है ना? अच्छा बोलो क्या बात है? अच्छा हुआ नहीं लाई। अरे श्वेता, ये लड़के दोस्ती के बाद बहुत परेशान करते हैं। लेकिन तुम्हें लड़कों के साथ घूमना अच्छा क्यों नहीं लगता? अरे यार बहुत बारिश आ रही है, चल चल हम कहीं और चल के बातें करते हैं। भीग जाएंगे। इतना भीग गई हूँ मैं। कमला जरा दो गिलास पानी लाओ। अभी ला रही हूँ। नेहा ये साड़ी पहन के आज कहाँ जा रही हो? वो भाभी मैं आपको बताना भूल गई थी, आज मेरी एक सहेली का जन्मदिन है और उसने मुझे जन्मदिन पर बुलाया है। भाभी मैं जाऊं?
ठीक है जाओ अपना ख्याल रखना ठीक है हाँ जाओ रुको सुनते हो जी बोली डालिंग जब ये अपनी फ्रेंड के जन्मदिन पे जा रही है तो उसे कुछ रुपये तो दे दो ऑफ कोर्स डार्लिंग भाभी वेरी गुड दो तीन चार पाँच भैया वो भी दे दीजिए ना अभी यही ले लो ना वो भी ले लो ना यार एक ही तो बचा है बाय भैया बाय भाभी अरे सुनो भाई एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाना और अपनी सहेली को बोल देना हमारी तरफ से बर्थडे विश बिल्कुल अच्छी तरह से कर देना ठीक है भैया सुनो तो सही बाबा गिफ्ट अच्छा लेके जाना कि पता लगे कि राकेश मेहता की बहन किसी बर्थडे में आई है और प्रीति की ननन ओके बाय बाय कमला जी साहब जी जरा मेरा रूम साफ कर दो ठीक है साहब जी ओह माय गॉड क्या बात है आज 5 साल के बाद तुम इतने खुश नजर आ रहे हो अरे डार्लिंग खुश क्यों नहीं होऊंगा बैंक ने हमारा 50 लाख का लोन पास कर दिया ओह नाइस क्या बात करते हो डार्लिंग अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए मतलब मैं जो मांगूंगी वो मुझे मिलेगा है ना हाँ? जो मांगूंगी तुम्हें वही मिलेगा तुम्हारी अदाओं ने तो मुझे मतलब मेरे तन मन में आग से लगा दी ये आग और भड़केगी इससे पहले मेरी आग बुझा दो आओ ना विकी क्या हो रहा है आजकल क्या यार कॉलेज में कोई लड़की नहीं पढ़ती यार क्या बात कर रहा है हमसे तो श्वेता की सेटिंग हो गई है और हनीमून की तैयारी भी हो रही है नहीं यार श्वेता तो मुझ पर लाइन मारती है लाइन तुझको देती प्यार तो मुझसे करती है अजय आजकल तुम मुझसे बहुत झूठ बोलने लगे हो क्या झूठ बोला मैंने तुमसे सबसे ये कहते फिर रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो इसमें झूठी क्या है तुम भी तो मुझ पे मरती हो श्वेता एक बात बोलूं तुम अजय को छोड़कर मुझसे दोस्ती कर लो फिर देखना कितना मजा आएगा अरे नेहा को क्या हुआ अभी तो बिल्कुल ठीक थी अरे मैंने उसे फोन पे बात भी की सब कुछ ठीक था अभी तक तो चलो देखते हैं क्या हुआ अच्छा हो सर तो तुम मुझे मिल गई मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है क्या हुआ बोलना अब तू ही मेरी मदद कर सकती है वो बात यहाँ नहीं कर सकती कहीं और चलते ना प्लीज नेहा कोई बात नहीं चल मेरे घर वहाँ बैठ के आराम से सारी बातें करेंगे ठीक है चल 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 चलते अच्छा अजय विकी बाय 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 क्या हो गया यार इसको नमस्ते अंकल नमस्ते कैसे हो नेहा बेटा मैं ठीक हूँ अंकल रहता बेटे हम लोग एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तुम घर का ख्याल रखना जी मामा चल बाय डैडी बाय बाय अब बता क्या बात है तूने सच ही कहा था श्वेता कि जब किसी को किसी से प्यार होता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है श्वेता हाँ वही जो नहीं हो
होना चाहिए था। श्वेता, मुझे प्यार हो गया। प्यार? हाँ, मुझे प्यार भी हो गया और प्यार करने वाले के साथ दो जिस्मों का मिलन भी हो गया। कौन है वो? रवि। रवि को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। रवि अच्छा लड़का है। पहले मैं भी ऐसे ही समझती थी कि वो बहुत अच्छा लड़का है, मगर कल रात जब मैं उसके साथ पार्टी में गई तो क्या? रवि लेट हो गए, पार्टी शुरू होने वाली है। हाँ चलो 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 यार।